उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा? मैं ये गारंटी करता हूँ आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं होंगे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक की इस खास चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से, ऐसी पर्सनालिटी से जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं है। पूर्व गवर्नर गोवा के, मेघालय के, बिहार के और जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ क्लिक में। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सत्यपाल जी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है मणिपुर को लेके। आपको क्यों लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट, एक डिस्कशन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? वो हैज स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की। भोंकते रहो तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं। पर वो गलत रास्ते पे हैं। उनको आना चाहिए, बोलना चाहिए, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मणिपुर के लोगों को भी लगेगा somebody is worried about you। आपको लगता है मणिपुर ही नहीं पर महिलाओं के लिए खास तौर से उस वीडियो के आ जाने के बाद? महिलाओं के लिए तो इनको जब वो पहलवान लड़कियां थी मेडल लेके आती थी तो कहते थे मेरी बेटियां, और वो कई महीने पड़ी रहीं, घसीटी गई जनपद पे, एक शब्द नहीं बोले। इनको महिलाओं से, किसी से, अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है देश में अक्सर हम सुनते हैं खौफ का माहौल है, आप मानते हैं ये बात? खौफ का माहौल इन्होंने बनाया है क्योंकि इनकी पार्टी पूरी खौफजदा है। अच्छा, खौफ में वो रहते हैं जो करप्शन किए हुए रहते हैं, जो नहीं करते वो नहीं रहते हैं। तो देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहीं फंसे हुए ना हों, चूँकि ये इन संस्थाओं का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, ED और आपका CBI वगैरह वगैरह, और इससे सब डरते हैं। इसी से डरते हैं, लेकिन आम जनता को खौफ ज़दा होने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आम जनता खड़ी हो जाए तो ही भाग जाएंगे आम जनता, लेकिन वो सोचती है तुम्हें क्या करना, हमारी दो वक्त की रोटी चलनी चाहिए। मलिक साहब, एक खास चीज़ हम देख रहे हैं कि डिवाइड हो रही है सोसाइटी, ऐसा लगता है। मणिपुर में जब वायलेंस हुआ, कुकी और मेते इस तरह से अलग हुए, जो लोग कंपेयर करने लगे गुजरात के 2002 के बाद जुहापुरा कॉलोनी से बिल्कुल अलग हो गए। तो ये जब डिवाइड आएगा और इस डिवाइड के को बनाने में जब वायलेंस यूज़ होगा तो जनता डरेगी नहीं क्या? डरेगी, ये तो अच्छा नहीं है। इसको किसी जगह लोगों को खड़े होना चाहिए इसके खिलाफ। क्या किसी को खड़ा होना पड़ेगा ताकि उनके पीछे जनता खड़ी हो? अपने आप आपको लगता है लोग नहीं, खुद से खड़े हो जाएं तो जनता सुनती है, जब वो खड़े होकर कोई आदमी बात कहता है। आपने 77 देखा, आपने इमरजेंसी देखा है, अक्सर ये भी एक तुलना की जाती है कि ये दौर उससे, वो दौर इससे बहुत बेहतर था। ये दौर तो बहुत ही खतरनाक और बहुत खराब है। ये बहुत छोटे लोगों के हाथ में ताकत है। मिसेस गांधी के दौर का मैंने देखा है, दो घटनाएं आपको सुनाता हूँ। अडवाणी जी का घर का अलॉटमेंट ख़त्म हो गया था, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे थे जी। तो उनकी पत्नी को कहीं नहीं जाना पड़ा, ओम मेहता उनके घर गए और उनको लेटर दे के आए कि ये एक्सटेंड कर दिया, आप यहीं रहिए जब वो हिरासत में। हाँ, ये आज पॉसिबल है। और अटल जी को एक भी दिन के लिए जेल नहीं भेजा, वो सीधे अस्पताल ले गए, उनको वहीं रहे वो जब तक इमरजेंसी खत्म हुई। ये शिष्टाचार बना हुआ था, अब वो नहीं है। अब कैसा है? क्या मोदी जी इंदिरा गांधी जी जैसे हैं, उनसे अलग हैं? नहीं नहीं, उनसे इंदिरा गांधी का एक वैल्यू सिस्टम था। वो जवाहरलाल की बेटी थी। मैं एक बार पूछ रहा था उनसे, मेरे अच्छे दोस्त हैं स्वराज पॉल, मैं कहा मिसेस गांधी ने ये इलेक्शन क्यों कराए? कहेंगे मिसेस गांधी सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से थी कि यूरोप के अखबार लिखते थे नेहरूज डॉटर हैज़ बिकम डिक्टेटर। वो उनको सबसे ज़्यादा हर्ट करती थी चीज़, तो उनमें वो शर्म लिहाज था, इनमें नहीं है कुछ। इनमें तो ये, मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली इन्होंने। जो आदमी 370 हटाने में इंस्ट्रूमेंटल रहा हो कश्मीर में, उसकी आप पूरी सिक्योरिटी, एक सिपाही है अब मेरे पास, शायद वो भी नहीं मिला हो आपको बाहर जी। नहीं हाँ, और सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मकान नहीं दिया, किराए के मकान में हूँ मैं इसमें जी। लेकिन आपको, आपको क्यों लगता है कि आपको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी या बहुत रंजिश, दुश्मनी? किस बात पे? मैं बोल दिया था ना किसानों के सवाल पे, इनसे मेरा तू तड़ाक हो गया था। यानी कि आपने कहा था कि बेसिकली अगर हम स्ट्रीट वाली भाषा में कहें तो किसानों से पंगा ना लें, आपको मुँह की खानी पड़ेगी।
नहीं, मैंने नहीं कहा ये, मैं तो इनसे पंगा लेने ही गया था, इस्तीफा जेब में रख के गया था। मैंने कहा सर ये 4 महीने से पड़े हैं, इनका कुछ कर दीजिए। तो ये बोले नहीं नहीं सतपाल चले जाएंगे। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं कहा साहब आप इनको जानते नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ये जो सिख हैं इनके गुरु ने तो अपने 4 साहबजादे कुर्बान कर दिए थे, समझौता नहीं किया था, और ये 300 साल नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने ब्लू स्टार करने के बाद अपने फार्म हाउस पे 1 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू ने उनसे पूछा फूफी आप तो ये नहीं मानती थी कि तुझे पता नहीं है इनका, जिसने स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे, उनको इलाम था ये। तो मैंने तो इसको डराया, तभी वापस हुए कानून को, इसको समझदारी आ गई थी जो वापस हुए। लेकिन समझदारी भी आई और इलेक्शन में उनको जीत भी मिली, माफ़ी मांगने के बाद लोगों ने कहा कि चलिए सरकार ने ठीक चीज़ कर दी। तो अब भी क्या उनको इस तरह के मौके आप मैं एक तरह से मैं अभी तो बहुत घमंड में है, बहुत ज़्यादा घमंड में है। एक तरह से मैं आपसे 2024 के इलेक्शन का प्रिडिक्शन ही मांग रही हूँ। लेकिन 2024 के चुनाव में तो ये बचेंगे नहीं, हटा दिया जाएंगे। अगर ये 200 सीट पे भी आ गए नीचे तो पार्टी के ही लोग इनको हटा देंगे, एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज़ कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। आप ऐसा क्यों कह दें कि उन्होंने कराया, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं तो लोग कहते हैं तो भी ये कहता हूँ कि नहीं वे ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह इन्होंने मुझे चुप कराया पुलवामा पे, पुलवामा पे मैं जब इनसे मेरी बात हुई शाम को हुई, ये गए हुए थे कॉर्बेट पार्क में अपनी शूटिंग कराने, तो इन्होंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा साहब वो ऐसे ऐसे हुआ, हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए और हमारी गलती से हुए। तो इन्होंने मुझे कहा तुम चुप रहो, बिल्कुल मत बोलो इस पर। फिर मुझे डोभाल से फ़ोन करा, डोभाल मेरा क्लास फेलो रहा, उसने कहा सतपाल भाई ये मत बोलो, आपने 2 चैनल को मैं बोल चुका था, लेकिन तो इन्होंने कहा ये मत बोलो। मैं समझा शायद ये जांच वाँच कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं कराए इन्होंने। 3rd दिन से ट्रैक बदल दिया, पाकिस्तान ने ये कराया, अब हम अंदर घुस के मारेंगे, अब ये करेंगे, और पूरा कंट्री का दूसरा माहौल हो गया। तो आप ये नहीं कहते कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का इस्मानी महा ज़रूर था, क्योंकि पाकिस्तान तो हर वक्त हमको वहाँ डिस्टर्ब करता था कश्मीर में जी। कि इतने बड़े पैमाने पे विस्फोटक बिना पाकिस्तान की कनाइवेंस के यहाँ नहीं आ सकते थे जी, जो 10-12 दिन तक जी और घूमती रही गाड़ी वो विस्फोटक लेके जी जी जी। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में भी रहे, आप मेघालय के गवर्नर थे 2020 तक, क्या आपने तब कुछ आरएसएस के काम इस तरह के देखे जिनसे अभी आरएसएस पे ब्लेम आ रहा है कि उन्होंने मणिपुर के वायलेंस के पीछे उनका हाथ रहा है? वो तो है मणिपुर में तो है, पर मेघालय में इनकी कोई हैसियत नहीं है। मेघालय के पिछले इलेक्शन में मोदी जी और अमित शाह साहब दोनों गए कैंपेन करने, खुद दोनों ने मीटिंग से एड्रेस की, 3 सीट थी 2 रह गई, 2 जीते जी। वहाँ के लोगों में इनका कोई असर नहीं है। तो आपने जब आप नॉर्थ ईस्ट में थे, मेघालय में थे, आपने मणिपुर जैसे हिंसा की कोई फोर वार्निंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ काफ़ी पीसफुल सोसाइटी है। क्योंकि लोग आरएसएस को ब्लेम कर रहे हैं कि ये सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आर्म्स ला रहे हैं, क्या इस तरह की कोई खबर? नहीं, वो तो नहीं, सरकारी स्तर पर आर्म्स दिए गए हमको। आप मैते की बात कर रहे हैं? हाँ, मैते लोगों को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकारी तौर पे दिया गया है? वो हथियार आम आदमी के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है जो उनको दिए गए हैं। इंसास राइफल्स तो सरकारी राइफल है, बाजार में बिकती भी नहीं है। तो वो तो खबरें भी आई हैं कि उन्होंने पुलिस के गोदाम को लूट लिया। नहीं, बकवास करते हैं, इन्होंने लुटवा दिया, लेकिन ये बुरा किया, पूरी स्टेट को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। पूरी स्टेट, पूरा रीजन एक तरह से, हाँ, रीजन सब जगह दिखे ना, उनके रिएक्शन में नागाज रिएक्ट कर रहे हैं, कहीं मिजोज रिएक्ट कर रहे हैं जी। तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पीसफुल नॉर्थ ईस्ट जो है वो तबाह हो जाएगा। ये अवॉइडेबल था? अवॉइडेबल है अभी भी। क्या आपको लगता है? पीएम जाएं, विजिट करें, जो घायल हैं उनको, जो नुकसान जिनका हुआ है उनके मरहम लगाएं, मदद करें और कहें कि भाई हम इक्वली ट्रीट करेंगे तो ठीक हो जाएगा सब। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है हमको प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पे? आफ्टर ऑल कहा, एक कहावत भी है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड।
एक्शंस पे मुझे भरोसा नहीं है, पर ऐसा करें तो उसका कुछ तो असर होता है, शब्दों का असर पड़ता है, लोगों को लगेगा कि हाँ देखिए ये आदमी इंसाफ की बात कर रहा है। उनका साइलेंस क्या मैसेज भेज रहा है? उनका साइलेंस ये मैसेज भेज रहा है कि गो टू हेल, आई डोंट वरी फॉर यू। लेकिन ये मैसेज कौन मतलब दो जो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, एक तरफ कुकी एक तरफ मैथी, ये आई डोंट केयर वाला मैसेज, डोंट केयर फॉर कुकीज बट आई केयर फॉर मैथी, ये मैसेज जा रहा है, आई एम विद देम। या यानी कि किसी भी सिचुएशन में जब सरकार वायलेंस के समय चुप रहे तो जो एग्रेसर साइड है या जो ताकतवर साइड है, जो डोमिनेंट उसी की साइड में मानी जाएगी। वहाँ तो खुला है, सबको पता है कौन किसके साइड में है। तो आप उसके बाद फिर मेघालय के गवर्नरशिप के बाद फिर कभी नॉर्थ ईस्ट में गए? मैं गया नहीं, मेरी परसों मेघालय के चीफ मिनिस्टर से बात हुई जी। मैंने पूछा भी क्या हो रहा है आपके यहाँ, तो उसने कहा कि वो जो मेरे से चुनाव हारा था उसने थोड़ा अनरेस्ट कर रखा, पर कोई नहीं, हम कंट्रोल कर लेंगे जी। अब ये बताइए कि जो चुनाव आएंगे उसमें पोलराइजेशन का हमने देखा है बरसों से कि जो रूलिंग पार्टी है आज की उसी को फ़ायदा होता है और पूरा देश पोलराइज्ड है, लेकिन आप कहते हैं कि अच्छा असर नहीं पड़ेगा, पिछले 10 सालों का जो गवर्नेंस है लोग नाराज है, तो आपको भी लगता होगा कि लेकिन पोलराइजेशन इतना है ये तो बीजेपी। देखिए हर वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं होता, मैं बताता हूँ, मैं एक हिंदू गांव है मेरा गांव जिसमें 15,000 की आबादी है, 300 साल पुराना मंदिर है, शाम को सिर्फ 2 आदमी जाते हैं दिया जलाने। हिंदू हर रोज़ हिंदू नहीं होता, वो दंगे के वक्त हिंदू होता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन बाद ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो उसको ये हर वक्त जो है भड़का के नहीं रख सकते हैं। लेकिन आजकल तो हिंदू मुस्लिम ही नहीं है ना, कहीं ट्राइबल कहीं क्रिश्चियन, हर कोई दूसरे से। ये जो नॉर्थ का जो बेल्ट है इसमें नहीं है। देखिए मैं आपको स्टेट वाइज दिखाता हूँ, पंजाब में इनकी 2 सीट नहीं है जी, हरियाणा में 2 सीट मुश्किल से होंगी अगर राव साहब इनके साथ रह गए तो, ये मध्य प्रदेश हारेंगे, ये छत्तीसगढ़ हारेंगे, वेस्ट बंगाल हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, यूपी है इनका दैट इज़ ड्यू टू योगी जी, वो भी लोग समझ रहे हैं कि योगी में और मोदी में क्या फ़र्क है, मोदी को डिसलाइक करते हैं यूपी के लोग, योगी को लाइक करते हैं, तो यूपी में जितने हैं उससे घटेंगे। तो मुझे एक बीजेपी के नेता ने कहा कि सतपाल भाई इनको घटा के 200 पे ले आओ तो हम ही हटा देंगे, तो ये 200 पे तो आ ही जाएंगे। तो सर अगर सब कुछ पोलराइजेशन पे नहीं चलता है तो फिर गवर्नेंस के रिकॉर्ड को देखते हैं कि बीजेपी के गवर्नेंस रिकॉर्ड, उन्होंने जो खाने की स्कीम दी, आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, क्या लोग चर्चा करते हैं? मैं बताता हूँ, मैंने गवर्नरशिप छोड़ने के बाद 20 पब्लिक मीटिंग की होंगी बड़ी, राजस्थान हरियाणा वेस्टर्न यूपी सब में मैं मिलता हूँ। किसानों में तो बहुत नाराज़गी है, उनके मसले अभी तक हल नहीं हुए हैं, MSP का मसला हल नहीं हुआ है और ये उनको इग्नोर कर रहे हैं, दे आर वेरी एंग्री। इसी तरह गरीब लोगों का है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, सब चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं। लेकिन हर रीजन की अपनी अलग डिमांड्स होती हैं, आप कश्मीर को देखिए, 370 को जी हम जानते हैं आपने सपोर्ट किया, लेकिन अब वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में है, आपकी उम्मीद है कि वो हटा दिया जाएगा जो रिवोकेशन था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं करेगा। लेकिन स्टेटहुड का आपको लगता है कि? स्टेटहुड तो ख़त्म ही नहीं करनी चाहिए थी, मेरी राय है स्टेटहुड उनको, और पार्लियामेंट में प्रॉमिस है अमित शाह का कि हम जल्दी वापस करेंगे, जितनी जल्दी वापस कर दें, क्योंकि ज़्यादा हर्ट उनको स्टेटहुड ख़त्म होने से हुई। तो कम्युनलिज्म आप कहते हैं नहीं काम करेगा, डेवलपमेंट का बताइए कि आपको डेवलपमेंट कहाँ है बताओ मुझे, मैं तो यहीं किसानों के अलावा जो बाकी पब्लिक बाकी है? पब्लिक का क्या डेवलपमेंट आप बताओ, रोड और हाईवे बन रहे हैं सरकार कहती है, जिसने बनाए हैं उसको तो ये इंसल्ट कर रहे हैं रोज़, वो सारा गडकरी का क्रेडिट है और उसी को इन्होंने हटा दिया सब इम्पोर्टेंट कमिटीज से। तो फिर शायद कोई इमोशनल इशू जैसे कि मंदिर जब तैयार हो जाएगा, मैंने बताया वो नहीं काम करेगा, मंदिर हो गया, ये करा सकते हैं कि टू पोलराइज पब्लिक ओपिनियन, मंदिर पे कोई बम फेंकवा दें,
कहीं आग लगवा दें, किसी बीजेपी के नेता का कत्ल करा दें, ही कैन डू एनीथिंग। गुजरात का उनकी हिस्ट्री यही है जी। सर एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो टेंपल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है राम मंदिर का अयोध्या में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक मस्जिद का निर्माण होगा। अब खबरें आ रही हैं कि मंदिर तो तैयार होने की कगार पे है, लेकिन मस्जिद वाले अपने पैसे भी नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं, उनको अपना रिवाइज प्लान देना पड़ रहा है। तो नैतिकता और कोर्ट के ऑर्डर, क्या मंदिर रुक जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए? नहीं, मंदिर तो नहीं रुकना चाहिए। जिस स्पीड से बन रहा बन के, तो 500 साल की डिमांड है एक कम्युनिटी की, उसको तो पूरा कर देना चाहिए। पर उनके लिए भी कुछ कर सकते हो तो इमीडिएटली करना चाहिए, ताकि दोनों चीजें, ताकि यहाँ थोड़ा समानता का एहसास लगे। लेकिन समानता का एहसास यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है उसके हिसाब से सरकार, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ना भी हो तो एक समाज के एक तबके की फीलिंग्स को एसुएज करने के लिए आपको कर देना चाहिए कि मस्जिद की साइड की मदद उतनी ही मदद की जाए जितनी यहाँ तो सरकार ने पैसा नहीं दिया, समाज ने दिया है बहुत, बल्कि खा गए मंदिर कमेटी के लोग इसको। ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे मालूम। आपको शक है? नहीं, शक नहीं, मुझे लोग आगे कहते हैं साहब ये चंपत राय खा गए, ये खा गए, वो खा गए। तो मतलब आप मोदी जी को किसी सक्सेस स्टोरी से क्रेडिट करना चाहेंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल नहीं एक ही सक्सेस स्टोरी से करेक्ट करूंगा। दैट ही नोज हाउ टू रूल एंड हाउ टू रूल रूथलेसली। उन्होंने रूथलेसली रूल कर रहे हैं वो, लेकिन नुकसान कर रहे हैं देश का और समाज का। उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा? क्या नहीं, अगर हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा? मैं ये गारंटी करता हूं आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं होंगे। किस आधार पे आप इतना श्योरेंस है? मैं एक तो आपको अर्थमेटिक बता दिया किन किन स्टेट में हार रहे हैं, और ये नीचे आ गए अगर 200 पे तो इनको बीजेपी वाले ही हटा देंगे। चलिए आप, कोई जरूरत नहीं, आप बैठे तैयार हैं लोग, बैठे तैयार हैं लोग। कौन लोग? बीजेपी के लोग, मतलब कि पार्टी के अंदर ही? हाँ, लीडरशिप पार्टी में इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जो खुद तैयार हैं, जो तैयार हैं इनको कहने के, हटिए अब बहुत हो गया, हम संभालेंगे। और पार्टी के अंदर की वजह क्या है? वो इनसे ही इंसल्ट्स एवरीवन, पर्सनली इंसल्ट, पर्सनली यानी कि उनका रवैया ठीक, रवैया बहुत खराब, ठीक नहीं बहुत खराब। स्टेज पे लोग हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, देखते नहीं है उनकी तरफ। भाई अडवाणी जी जैसा आदमी खड़ा रहता है, उसकी तरफ देखते नहीं है मुड़ के। तो यानी कि अपनी पार्टी को भी वो उस तरह, वो एक वोट कैचर हैं तो वो ज़रूरी हैं, या वो आरएसएस के लिए ज़रूरी? नहीं, आरएसएस तो इनसे नाराज है। तो मतलब वो बने हुए हैं क्योंकि उनको जनता के वोट मिलते हैं? नहीं, उन अभी तक ये भरम है कि जनता का वोट मिलता है, जब वो भरम टूट जाएगा तो लोग हटा देंगे। सर आखिर चीज़, आपकी आपकी किताब, कई बार आपके इंटरव्यू सुनते हैं, देखते हैं, हम लेख पढ़ते हैं आपके, अलग अलग स्पीचेस जो आप देते हैं, तो आप, आपकी किताब के लिए कोई सनसनीखेज खबर बचेगी? आपने सब कुछ कह दिया। अभी कुछ भी नहीं कहा मैंने, कश्मीर के बारे में तो इतना कहना बाकी है जो मैंने बिल्कुल नहीं कहा है, और जो मैं किताब में कहूँगा अभी मैं कह भी नहीं सकता हूँ, चूँकि ये तलाश में मुझे किस बहाने से जेल में भेज दें। आप अपनी किताब पे काम कर रहे हैं? किताब तो मेरे यहाँ है। तो कोई पब्लिकेशन डेट? डेट अभी कुछ नहीं, जब ये हट जाएंगे उसके बाद छपवाऊंगा। उसके बाद? लेकिन ऐसा क्यों? उससे पहले तो मतलब लेखक चाहेगा कि लोग पढ़ें। हाँ, हो सकता है उससे पहले ही छपवा दूंगा, तो जब इलेक्शन की हीट होगी उस दौरान छप जाएगी। और बहुत पब्लिशर्स आ रहे हैं, पेंगुइन, कौन कौन, सब चाहते हैं, हम चाहते हैं। लेकिन आपने अभी तक किसी को ना, अभी तक नहीं किसी को दिखाया, ना दिखाया, ना किसी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको दूंगा। तो उसमें, उसमें उसके लिए आपने काफी चीजें रख, बहुत चीजें हैं। मैं तो आपको बताऊं सारा दिन लग जाएगा, इतना तजुर्बा है मेरा कश्मीर का। ठीक है सर, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को, और आगे भी देखते रहिए हमारे और वीडियो, खास चर्चाएं जो होंगी आज की पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट में होने वाली इवेंट्स के बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।